हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे, हेल्दी और सुपर एक्टिव होंगे इस अच्छे मौसम में। आज की वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ एक थोड़ी सी आउटिंग से। छोटी सी एक आउटिंग है तो मैंने सोचा क्यों ना शूट किया जाए। मौसम इतना अच्छा है, मूड इतना अच्छा है, तो मैंने कैमरा ऑन किया और देन शूट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से मैं निकल रही हूँ अपनी सोसाइटी से और देखिए कितना अच्छा मौसम है। इतना ठंडक पड़ गई है क्योंकि लास्ट एक वीक से इतनी गंदी गर्मी हो रही थी कि पूछो मत। तो थोड़ा रिलीफ है। बाहर जाने का बहुत अच्छा ही ये समय हो गया था। मैं जा रही हूँ अपने दीदी के साथ थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि उनके बेटे का बर्थडे है तो उन्होंने ड्रेस लेनी थी कुछ, और बच्चों के लिए थोड़े रिटर्न्स लेने थे, रिटर्न गिफ्ट्स। चलिए चलते हैं, अभी वो मुझे आगे मिलेंगी। और जब मैं जा रही हूँ तो मैं क्यों ना आपको बता दूँ कि यहाँ से आगे टी पॉइंट पे साईं बाबा मंदिर है और मुझे जाना है लेफ्ट। लेफ्ट जाके दीदी मिल जाएंगी और फिर सीधा हम आगे निकलने को रेडी हो जाएंगे। और कहाँ जा रहे हैं वो आप वीडियो देख ही रहे हो, पता चल ही जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा लोग निकले नहीं हैं बाहर। और ये जो दो लेडीज़ दिख रही हैं ये मेरी नोन है और इन्हें पता नहीं है मैं इनका पीछा कर रही हूँ। और ये है नेक्स्ट डे जिसका बर्थडे है, बर्थडे बॉय, और डिस्कशन चालू है कि कौन कैसे जाएगा क्योंकि उनको भी आना था मार्केट। हम निकल चुके हैं और यहाँ पे जो है हम बैटरी रिक्शा लेने वाले हैं आज। और बहुत टाइम बाद बैटरी रिक्शा में और इतने अच्छे मौसम में, हवा ठंडी ठंडी चल रही है और साथ में हमारी गॉसिप चालू है, मज़ा ही आ गया। हम जा रहे हैं सेक्टर 1 या 2 की तरफ जा रहे हैं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। और आ गए हैं हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे, विशाल मेगा मार्ट। और नियर बाय हमारे घर के यही पड़ता है तो हमने सोचा पहले क्यों ना यहीं एक्सप्लोर करें, कुछ समझ आता है तो ले लेंगे। हमें जाना था बेसिकली किड्स सेक्शन में और बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ था किड्स का भी और लेडीज़ का भी। ऑल पेस्टल कलर, ऑल पेस्टल शेड के कपड़े ही दिख रहे थे। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी अच्छी कुर्तीज़ हैं। बट हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, हमें जाना था किड्स के सेक्शन में तो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा किड्स सेक्शन ढूंढा और वहाँ पे बच्चों के कपड़े देखने लगे। सबसे पहले हम छोटे छोटे बच्चों के ड्रेस देखने आए और यहाँ पे आप देख सकते हैं विंटर कलेक्शन आया हुआ है। और शॉपिंग हमारी डन थी और मैंने भी विवान के लिए टॉयज़ ले लिए थे, बच्चों ने खूब टॉयज़ लिए। और बींग अ मॉम मुझे अब ये लगता है कि जब भी मैं कुछ लेने जाती हूँ तो मुझे अपना नहीं, मुझे सबसे पहले अपने बच्चे का ख्याल आता है। मुझे लगता है कि मैं विवान के लिए क्या लूँ, क्या ना लूँ, क्या उस पर अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ आप क्राउड देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो गई थी। इतना रश हो गया था, तुरंत इतना रश हो गया था कि मैं बाहर आके बैठ गई थोड़ा फ्रेश एयर में, क्योंकि मुझसे सफोकेशन बर्दाश्त नहीं होती, मुझे घबराहट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ मस्ती चल रही है हमारी। शरारती बच्चे को अभी चैन नहीं पड़ता। देखिए कानू का है, ठीक है। और दीदी आ चुकी हैं बाहर बिलिंग करवा के, क्योंकि रिटर्न गिफ्ट जो चाहिए थे वो मिले नहीं।
सो अब हम सेकेंड शॉप में, सेकेंड मार्ट में हम गए. ये मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ. ब्रदर मार्ट करके है ये. सो यहाँ पे हमें हमारे हिसाब की चीज़ें मिल गई थी. सो गाइज़, अगर आपको ये छोटा सा शॉपिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए. सो यहाँ पे हमें बच्चों को कुछ गिफ्ट पसंद आए तो ले लिए बच्चों के लिए, चॉकलेट, जूसेस वगैरह, कुकीज़ वगैरह. तो यहाँ से ले लिया. अब आगे मार्केट की ओर रवाना हो रहे हैं हम. सो यहाँ का काम निपट गया और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, हैप्पी थे. और अब देखिए, अब आगे मार्केट भी हमें जाना है. राखी, इतनी अच्छी कलेक्शन राखियों का भी आया हुआ था मार्केट में. मेहंदियाँ लगाई जा रही थी, मतलब बहुत अच्छी रौनक थी मार्केट में. अच्छा लगा देख के, क्योंकि त्योहारों में तो शॉपिंग करने का बहुत अलग ही मज़ा है. मतलब इंडियन फेस्टिवल इतने मज़ेदार होते हैं कि बस मार्केट जाने का बहाना चाहिए. हर छोटी चीज़ के लिए मार्केट जाओ, मतलब वो अलग ही क्रेज़ होता है, वो अलग ही खुशी होती है. सो बहुत अच्छा राखियों का कलेक्शन आया हुआ था. यहाँ से हमने राखी परचेज़ की. फाइनली हमने बहुत शॉप में एक्सप्लोर किया राखी के, मतलब अच्छा लग रहा था देखना, देन फाइनली ले लिया था. और घर आते ही देखिए, मैंने एक हाथ में अपने मेहंदी लगाई और विवान उठ चुका था, तो मैंने फिर इसे जल्दी ही वॉश कर लिया था आधे घंटे में. आप डिज़ाइन देख सकते हैं मेरा, ये मैंने खुद लगाया है बहुत जल्दी में, जब तक वो सो रहा था विवान. और फिर वो उठ गया तो फिर मुझे जल्दी से वॉश करना पड़ा. और ये राइट हैंड की मेहंदी मैंने भाभी की बेटी से लगवाई, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन डॉली ने मेरे हाथों पे लगाया था. देख सकते हैं कितना अच्छा डिज़ाइन है. और फिर इसके बाद रात को मैंने मम्मी के हाथों में भी मेहंदी लगाई और वो ये रही.